नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं कृतिका। केसरगंज संसदीय क्षेत्र के विधानसभा तबरगंज के अंतर्गत ग्राम सभा दुर्जनपुर में 450 से अधिक निराश्रित महिलाओं, दिव्यांगों, निर्मल परिवारों, जरूरतमंद परिवारों, गरीब, असहाय, दैनिक मजदूर में नकद राहत धनराशि के साथ राहत सामग्री का वितरण कराया। साथ साथ घर घर पोषाहार वितरण अभियान का भी शुभारम्भ किया। बाल कल्याण विभाग द्वारा घर घर पोषाहार वितरण चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत लोकसभा केसरगंज विधानसभा तबरगंज के ग्राम सभा दुर्जनपुर गांव के लगभग सैकड़ों महिला लाभार्थियों को पोषाहार का पैकेट वितरित किया गया, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ती राजश्री और सहायिका गीता सिंह भी मौजूद रहे। वितरण से पूर्व ग्रामवासियों से कुशल क्षेम पूछा एवं दुख दर्द साझा किया एवं सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से पालन करते हुए ग्रामीणों से कोविड-19 संक्रमण से बचाव की नसीहत भी दिया। ग्रामवासियों को इस बीमारी से बचने के तरीके बताकर उन्हें धैर्य एवं संयम का पालन करते हुए बहुत ज़रूरी ना हो तो घर से ना निकलने का अनुरोध किया। गरीब जनमानस के साथ साथ पशुपालकों एवं पशुओं का भी विशेष ख्याल रखने की लोगों से अपील की। इसी कड़ी में विष्णुहरपुर के मजरा गडरियन पूर्वा में जाकर हरीश चंद्र पाल के गौ सेवा से खुश होकर आर्थिक सहयोग भी किया। वहीं श्री सिंह ने लोगों से कहा कि इस महामारी में पशुओं का भी विशेष ध्यान रखें, यह हम लोगों का कर्तव्य है। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरीश प्रजापति की रिपोर्ट।